हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, आज का वीडियो रीट 2022 सामाजिक अध्ययन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है। और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको चैनल के द्वारा तैयारी करवाई जाती है ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। लास्ट ईयर भी जिन बच्चों ने जो है हमारे चैनल के द्वारा मुझे फॉलो किया था और तैयारी की थी, तो उनके 130 प्लस मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है। और कुछ ही बच्चे होंगे जिनके 120 या 110 से ऊपर आए थे, बाकी लगभग सभी के 130 प्लस ही आए। कुल प्रश्न देखिए 60 पूछे जाते हैं आपके, और कुल अंक भी आपके 60 होते हैं, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है वो टेस्ट स्टार्ट करेंगे, और टेस्ट जो है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री आप लिए जाएंगे। तो जहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप तैयारी जो है वो कौन से टॉपिक करके आएंगे, कौन सी क्लास का कौन सा चैप्टर जो है वो आपको पढ़कर आना है, क्वेश्चन आंसर सीरीज के माध्यम से ही हम लोग तैयारी जो है वो करते हैं। तो सामाजिक अध्ययन में आपकी जितनी भी यूनिट हैं, एक एक यूनिट करके हम लोग जो है वो टेस्ट करेंगे। यूनिट वन जो है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। तो देखिए, आरबीएससी एनसीईआरटी के चक्कर में जो है वो आप अभी भी फंसे हैं, तो इससे बाहर निकलिए, आपके पास टाइम अब नहीं है। आरबीएससी की बुक में आपको जो है ये पूरा कंप्लीट मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता कुछ भी नहीं बदलेगा, कोई भी बुक लें आप, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। बुक से ही मैं आप लोगों को तैयारी इसलिए करवाती हूँ क्योंकि आप जब टीचर बनेंगे तो उन्हीं बुक्स को पढ़ाएंगे, तो इसीलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारा मैटर उसमें होता है, ठीक है। जिसने आरबीएससी को पढ़ लिया, समझ लिया, एनसीईआरटी उसकी कवर है। तो यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक जो है वो आप कौन सी क्लास का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये आपका सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम एक एक करके सारे यूनिट करेंगे, जिसमें 3 यूनिट आपकी जो है इंडियन हिस्ट्री की है, ठीक है। तो जिनको हम जो है आरबीएससी की बुक से ही करेंगे, और हर एक चैप्टर में आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ बिल्कुल हमारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो रहा है, अब हम जो है एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। इसी तरीके से पॉलिटी है, उसके बाद ज्योग्राफी है, राजस्थान का जीके मैं आपको करवा ही रही हूँ, 3 यूनिट आपकी जो है कवर हो जाएंगी। राजस्थान जीके, जो हमारा राजस्थान की बुक इस वक्त एनसीईआरटी के साथ में चल रही है, वो मैंने आपको ये जो बुक है पूरी कंप्लीट करवा दी है, 6 से 10 तक की, 6 से 9 तक जो है वो कंप्लीट मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है यूट्यूब पर भी डाली जा चुकी है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। पीडीएफ फाइल जिन बच्चों ने लेनी थी उन्होंने ले ली है, वहां से तैयारी करिए या बुक से पढ़कर जो है वो आप टेस्ट देने आइए, ठीक है, किसी भी तरीके से आप करिए। तो जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तब तक आपकी जो है 10th की जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं लोक देवता और लोक संत तक, ठीक है। 2 यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 यूनिट आपकी शिक्षण विधियों की हैं, प्लेलिस्ट में मैंने आपको ये यूनिट भी करवाई हैं, वहाँ पर देखिएगा, एसएस टीचिंग मेथड के नाम से जो है प्लेलिस्ट में होगा, तो वहाँ आपको ये मिल जाएंगी। साथ में जो क्वेश्चन आंसर टेस्ट है, टेस्ट में आपके लेते ही रहती हूँ, जितने भी लास्ट ईयर जो है वो क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं या आने की संभावना है, तो उनको आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि शिक्षण विधियों के जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जो है उसमें आप महारत हासिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो है ये जो फर्स्ट यूनिट है जिसकी मैंने आपको बात कही, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म, ठीक है, और महाजनपद काल, तो ये पूरी यूनिट जो है वो आप कौन कौन सा चैप्टर करेंगे, कौन सी क्लास का, तो चलिए उसकी बात बताती हूँ। ये देखिए क्लास 6 चैप्टर 16 से लेकर 18 तक आप याद करके आएंगे, जो आपको पीडीएफ फाइल मिल गई है। क्लास 9 का चैप्टर 1 और 2 आपको याद करना है। क्लास 10 का आपको चैप्टर 1 का केवल पार्ट 1 याद करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको चैप्टर बता दिए हैं, जिनके पास बुक है वो बुक से पढ़ के आए, पीडीएफ फाइल जिन्होंने ली है तो वो पीडीएफ फाइल से क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो याद करके आए, और इस तरीके से आपको याद करके आना है, एक भी क्वेश्चन जो आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यूनिट 1 जो है इन सभी चैप्टर से आपकी पूरी हो जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म और महाजनपद काल, और इससे आपकी कंप्लीट रिविजन भी होगी, और 14 जून को बुधवार को आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। तो अब जो है वो आप तैयारी में लग जाएं, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।